There are loads of things that are written by newspaper. I don't know. Newspaper can write anything. You can write anything. Show me where I've said this. नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गौतम। करण थापर वाले इंटरव्यू को लेकर जब प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, पत्रकारों से लेकर आम पब्लिक ने कहा कि करण थापर ने पीएम मोदी की तरह प्रशांत किशोर को भी पानी पिला दिया और चुनावी भविष्यवाणी को लेकर एक्सपोज कर दिया। करण थापर ने सवाल किया था कि आप बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में आपकी भविष्यवाणी गलत भी साबित हुई है। हिमाचल प्रदेश में आपने कहा था कि कांग्रेस बुरी तरह हारेगी, जबकि कांग्रेस जीत गई। प्रशांत किशोर उस भविष्यवाणी से साफ मुकर गए, कहा कि वीडियो दिखाइए, सबूत दिखाइए, वरना माफी मांगिए। शो मी द वीडियो, इफ यू शो मी आई विल क्विट द जॉब और यू अपोलोजाइज पब्लिकली ऑन द कैमरा। और उसके बाद सोशल मीडिया पर सबूत दिखाए कि देखिए, प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया था कांग्रेस की हार को लेकर हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस जीत गई। सबूत सामने आने के बाद भी प्रशांत किशोर घमंड दिखा रहे हैं और प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर घमंडी जवाब सामने आया है। पब्लिक ने जब कहा कि पीएम मोदी की तरह प्रशांत किशोर को भी पानी पिला दिया करण थापर ने, तो पानी पिलाने को लेकर प्रशांत किशोर का घमंडी जवाब सामने आया है। वो जवाब आगे आपको दिखाएंगे। पहले वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव की राय सुनिए कि प्रशांत किशोर को घमंडी जवाब देने के बजाय क्या करना चाहिए था। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव करण थापर और प्रशांत किशोर के इंटरव्यू को लेकर कहते हैं, करण थापर और प्रशांत किशोर की यह बातचीत पत्रकारिता की कक्षाओं में अनिवार्य पाठ होनी चाहिए। साक्षात्कार इसे कहते हैं। सारे बड़े चैनलों के बड़े बड़े नाम वाले एंकरों पत्रकारों के लिए भी साक्षात्कार कला को दोबारा सीखने के लिए इस पूरे इंटरव्यू को ध्यान से देखना अच्छा होगा, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने एक महीने में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों साथियों से साक्षात्कार के नाम पर चाशनी में लिपटी चर्चाओं की झड़ी लगा दी है, टीवी स्क्रीनों को पाट दिया है। इसे देखने का दूसरा कारण है प्रशांत किशोर नामक परिघटना की बड़ी वजनी ठोस छवि का पूरी तरह पिघलना। कई दिनों से बड़े बड़े पत्रकारों चैनलों में प्रशांत किशोर से मौजूदा चुनाव पर उनका आकलन जानने की होड़ मची हुई थी। वो ऐसे पेश किए जा रहे थे जैसे उनसे बड़ा चुनाव और राजनीति का उस्ताद, व्याख्याता और विश्लेषक भारत धरा पर कोई नहीं है। करण थापर ने एक बार भी ऊंची आवाज किए बिना, धैर्य और शालीनता खोए बिना प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व के असली भुरभुरेपन को उजागर कर दिया है। प्रशांत एक बुली हैं, यानी आवाज ऊंची करके आत्मविश्वास, आक्रामकता और अहंकार के साथ सामने वाले को धोसियाकर अपनी धाक मनवाने वाले ऐसे खोखले व्यक्ति जिसमें इतनी सी बात मानने की सामान्य नैतिक विनम्रता नहीं है कि हर इंसान की तरह उससे भी गलती हो सकती है। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस के सफाए की उनकी भविष्यवाणी जो देश के प्रतिष्ठित बड़े अखबारों, समाचार मंचों पर छपी, खुद उन्होंने ट्वीट की, गलत निकली। ये एक आम बात है, ऐसा कोई विश्लेषक नहीं जिसकी सारी चुनावी भविष्यवाणियां 100% सही निकली हों। बस इतना ही मानना कहना था कि हां, उस मामले में मेरा आकलन गलत निकला, लेकिन प्रशांत किशोर कैसे गलत हो सकते हैं। इसीलिए करण थापर के बार बार कहने के बावजूद वो करण को धमकाते रहे, बिगडैल बच्चे की तरह लगातार बोलते रहे कि मुझे वीडियो दिखाओ। करण के बार बार कहने के बावजूद उन्हें एक वाक्य पूरा नहीं करने दिया। अब अपना ही पूरा साक्षात्कार देखकर जिसमें तमाम छपी हुई खबरें दिख रही हैं, उनकी अपनी ट्वीट दिख रही है, पता नहीं प्रशांत क्या सोच रहे होंगे। शराफत और नैतिक साहस है तो उन्हें करण थापर से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। तीसरा कारण इस पूरी बातचीत को देखने का यह है कि प्रशांत किशोर तथ्यों के साथ बता रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, आकर्षण और ब्रांड शक्ति लगातार घटी है। धन्यवाद और साधुवाद करण थापर। तो राहुल देव कहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर में नैतिकता है तो सारे सबूत आने के बावजूद प्रशांत किशोर को करण थापर से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, लेकिन क्या प्रशांत किशोर ऐसा करेंगे? वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी प्रशांत किशोर और करण थापर के इंटरव्यू पर अपनी राय देते हुए कहते हैं, प्रशांत किशोर की बेबाकी की मेरे मन में इज्जत रही है। ट्विटर, एक्स पर वो मुझे फॉलो करते हैं और मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, लेकिन खुद के लिखे को इतना अशिष्ट होकर नकार देना और छपे शब्द के प्रति अचानक उभरी ये बेरुखी उनको झूठ बोलकर झगड़ बैठने वाला शख्स बना देती है। राजनीति सचमुच बुरी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश प्रशांत किशोर पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, चौथे और पांचवें चरण के बाद एक महाशय का इंटरव्यू अचानक सभी प्रमुख चैनलों पर दिखाया जाने लगा। वो बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें पाने की भविष्यवाणी करते नजर आए। क्या इन्होंने कोई सर्वे कराया? नहीं कराया तो एग्जिट पोल की तर्ज पर एग्जैक्ट सीट कहां से बता रहे हैं? इसे ही कहते हैं सत्ता का टीवी पुरम। प्रशांत किशोर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, समाज के लिए अच्छी बातें करते हैं। जो जन सुराज के मंच तले उन्होंने अभियान चलाया है, जो राजनीतिक पार्टी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपनी चुनावी भविष्यवाणी को लेकर सबूत सामने आने के बावजूद
प्रशांत किशोर माफी मांगने के बावजूद घमंड दिखा रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, कई लोगों ने कहा कि पीएम मोदी की तरह प्रशांत किशोर को पानी पिला दिया करण थापर ने, तो पानी पिलाने वाली बात को लगता है कि प्रशांत किशोर ने दिल पर ले लिया है। प्रशांत किशोर ने इस बात को लेकर जवाब देते हुए कहा, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, माइंड और बॉडी दोनों को हाइड्रेटेड रखता है। जो लोग चुनाव के लिए मेरे अनुमान से व्यथित हैं, उन्हें 4 जून को काफी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखिए 2 मई 2021 और पश्चिम बंगाल। तो प्रशांत किशोर कहते हैं घमंड में कि 4 जून को उन लोगों को काफी पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी जो लोग मेरे चुनावी अनुमान से व्यथित महसूस कर रहे हैं। किस बात का घमंड है? 4 जून को ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? अगर आपका अनुमान भी सही निकल गया, अगर बीजेपी 300 के आसपास सीटें पा गई, अगर बीजेपी जीत गई, तब भी इसमें क्या घमंड की बात है? मतलब ये कौन सा तीर मार लेंगे प्रशांत किशोर? सबसे बड़ी बात है विचारधारा के साथ चलना। आप एक तरफ कहते हैं कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, पीएम मोदी ने देश के बड़े मुद्दों के लिए कुछ काम नहीं किया, आप पीएम मोदी की भर भर के आलोचना करते हैं और फिर वही बातें करते हैं जिससे पीएम मोदी और बीजेपी को चुनाव के दौरान फायदा हो रहा है। अगर आप देश के लोकतंत्र की परवाह करते हैं तो चुनाव में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। देश का मीडिया जब एक तरफा काम कर रहा है तो क्या आपको देश के लोकतंत्र में ऐसा योगदान करना चाहिए कि बीजेपी को उससे ज्यादा फायदा हो? आप एग्जिट पोल कर सकते हैं, जब चुनाव निपट जाए तो उसके आधार पर कुछ बोल सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ये सब बातें करने का आपके पास कोई टेक्निकल आधार नहीं है, आपकी कोई टीम फील्ड में काम नहीं कर रही है, फिलहाल आप जन स्वराज के साथ काम कर रहे हैं, आपने देश भर में ऐसा कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं कराया है जिसके आधार पर ये सब दावे कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बात सही निकल जाए, लेकिन इसमें आखिरकार घमंड वाली कौन सी बात है? ज्यादा से ज्यादा पीएम मोदी और बीजेपी जीत जाएंगे तो बहुत सारे लोग इस बात को सामने रख रहे हैं, इसमें आपने कौन सा तीर मार लिया? सबसे बड़ी बात है कि आप विचारधारा के तौर पर क्या कर रहे हैं? क्या आप लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए काम कर रहे हैं या बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं? कम से कम प्रशांत किशोर को इस बात का आत्ममंथन करना चाहिए और घमंडी बयानों की बजाय शांति से जवाब देना चाहिए कि आखिरकार करण थापर ने कहा क्या। हिमाचल प्रदेश को लेकर सवाल किया था, हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर आपको ट्रोल किया जा रहा है और आप आने वाले चुनाव को लेकर ऐसा घमंड दिखा रहे हैं कि मानो आप अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा है कि बीजेपी इस चुनाव में जीत जाएगी। आप प्रशांत किशोर के ऐसे घमंडी जवाब को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।